वेलकम गाइज इन आवर ग्रुप अप्लाइड फॉरेंसिक साइंस फॉर जस्टिस स्टूडेंट ग्रुप। माय नेम इज चंचल कामले फ्रॉम अप्लाइड फॉरेंसिक साइंस फॉर जस्टिस स्टूडेंट मेंबर। आई एम एक्सप्लेनिंग द टॉपिक एंथ्रोपोमेट्री। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है। ओके गाइज, लेट फर्स्ट स्टार्ट विथ आवर कंटेंट। कंटेंट मैं आपको पहले पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन नेक्स्ट मैं आपको उसका एक एक टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगी। फर्स्ट इज हु डेवलप एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री को किसने डेवलप करा था, उसके साइंटिस्ट कौन थे और उसको किस ईयर में डेवलप किया गया था, इसका पूरा मैंने आपको बताया है। देन नेक्स्ट इस व्हाट इज एंथ्रोपोमेट्री, एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में बर्टिलॉन एंथ्रोपोमेट्री के बारे में इसका डिस्क्रिप्शन दूंगी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ एंथ्रोपोमेट्री, एंथ्रोपोमेट्री के कितने टाइप्स होते हैं ये भी मैं उसके अंदर आपको बताऊंगी। मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है एंथ्रोपोमेट्री का वो भी बताऊंगी। देन नेक्स्ट इज कंक्लूजन, कंक्लूजन इसमें क्या है, एंथ्रोपोमेट्री का कंक्लूजन क्या निकला है वो इसके अंदर अपन देखेंगे। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग विथ माई फर्स्ट टॉपिक हु डेवलप एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री को किसने डेवलप करा था अपन पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो साइंटिस्ट थे अल्फोंस बर्टिलॉन, उन्होंने इसको डेवलप किया था एंथ्रोपोमेट्री को इन द ईयर 1853 टू 1914, इस ईयर में उन्होंने वर्क किया था। अल्फोंस बर्टिलॉन वॉज द सन ऑफ द फिजिशियन एंड द फाउंडर ऑफ द सोसाइटी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑफ पेरिस, लुइस एडॉल्फ बर्टिलॉन। अल्फोंस बर्टिलॉन जो थे वो लुइस एडॉल्फ बर्टिलॉन के बेटे थे। एडॉल्फ बर्टिलॉन जो थे वो फिजिशियन एंड द फाउंडर थे पेरिस की एंथ्रोपोलॉजी सोसाइटी में। ऑल्दो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ह्यूमन मेजरमेंट हैड ओरिजिनेटेड इन एंशियंट सिविलाइजेशन। जैसा कि अपन सभी जानते हैं, ह्यूमन को सिर से मेजर करने की प्रोसेस एंशियंट टाइम और प्राचीन समय से चली आ रही है ना, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अल्फोंस बर्टिलॉन इज क्रिएटेड एज द फादर ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक्स। अल्फोंस बर्टिलॉन जो थे उनको फादर ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक्स बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी के सिस्टम को अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है और वही सिस्टम को एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एंथ्रोपोमेट्री, एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है, एंथ्रोपोमेट्री वर्ड कहाँ से आया अब अपन वो देखेंगे। इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। एंथ्रोपोमेट्री जो है एक ग्रीक वर्ड है, ये ऐसा ग्रीक वर्ड है जो कि एंथ्रोस का मतलब होता है मैन और मीटर का मतलब होता है मेजर करना। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एंथ्रोस मीनिंग मैन एंड मीटर टू मेजर टू मेजर। एंथ्रोपोमेट्री इज द साइंस दैट डील्स विद द मेजरमेंट एंड द साइज ऑफ वेट एंड द ह्यूमन बॉडी। एंथ्रोपोमेट्री एक साइंस का पार्ट है जो कि डील करता है ह्यूमन बॉडी के मेजरमेंट, वेट और साइज पर। इन शॉर्ट अगर हम बात करें एंथ्रोपोमेट्री में ह्यूमन बॉडी को मेजरमेंट किया जाता है। माय नेक्स्ट थर्ड टॉपिक इज बर्टिलॉन एंथ्रोपोमेट्री। अल्फोंस बर्टिलॉन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एंथ्रोपोमेट्री को लेकर क्या बताया अब मैं आपको वो बताऊंगी। एंथ्रोपोमेट्री साइंस का ऐसा पार्ट है जिसमें ह्यूमन बॉडी का सिस्टमेटिक मेजरमेंट लिया जाता है। एंथ्रोपोमेट्री फर्स्ट 19th सेंचुरी में डेवलप की गई थी। इसकी जो मेथड करते हैं या इसकी जो प्रोसेस करते हैं, इसको जो एंथ्रोपोमेट्री की जो भी प्रोसेस होती है या जो भी इसका मेजरमेंट होता है वो जो भी करता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और जो ह्यूमन बॉडी में चेंजेस आते हैं, चाहे वो लिविंग बॉडी में आए चाहे नॉन लिविंग बॉडी में आए, उसका जो भी मेजरमेंट होता है वो भी हम एंथ्रोपोमेट्री के अंदर लिया जाता है। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में हम साइज को भी इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देकर अगर मैं आपको बताऊँ तो उसकी हाइट कितनी है बॉडी की, बॉडी का वेट कितना है, बॉडी का सरफेस एरिया कितना है, बॉडी का वॉल्यूम कितना है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। और अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो सीटिंग पर्सन कोई है और उसके अगर अपोज में अगर अपन बात करें तो स्टैंडिंग पर्सन की हाइट कितनी है और सीटिंग पर्सन की हाइट कितनी है, ये सब हम इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं।
और अगर अपन और आगे बात करें तो शोल्डर की वेट तो कितनी है, ये भी हम स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं। स्ट्रक्चर में अपन बात करें तो किसी भी चीज़ का अपन स्ट्रक्चर देखते हैं, वैसे बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो अपन शोल्डर की वेट तो भी देख सकते हैं, और लेग की लेंथ कितनी है। पाँव की बात करें तो उसमें लेंथ उसकी मेज़र की जाती है। नेक का जो सरकमफ्रेंस एरिया कितना है वो भी अपन इसके अंदर बताते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो उसके अंदर बॉडी में फैट का परसेंटेज कितना है, वाटर कंटेंट कितना है, ये भी इसके अंदर हम पता करते हैं। बॉडी का मास कितना है, ये सब चीज़ें हम एंथ्रोपोमेट्री के अंदर मेज़र करते हैं। और यही सब चीज़ें जिन्होंने बताई थी, वो साइंटिस्ट का नाम था अल्फांस बर्टिलॉन। यही था अल्फांस बर्टिलॉन का पूरा पैराग्राफ जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ना अब मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ एंथ्रोपोमेट्री की। एंथ्रोपोमेट्री के कितने टाइप्स होते हैं? एंथ्रोपोमेट्री के दो टाइप्स होते हैं, मेनली एंथ्रोपोमेट्री के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है स्टैटिक एंड दूसरा होता है डायनामिक। स्टैटिक की हम बात करें तो स्टैटिक का मतलब जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्टैटिक का मीन्स होता है स्थिर। स्थिर बोले, कॉन्स्टेंट बोले या स्टेबल बोले, है ना। तो स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक में अगर बॉडी स्टेबल पोजीशन में रहती है तो उसका स्टेबल पोजीशन में अगर कोई बॉडी है तो उसका अगर हमको मेजरमेंट लेना है तो वो स्टैटिक एंथ्रोपोमेट्री के अंदर कहलाता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब जैसे कि आप सभी जानते हैं, डायनामिक का मतलब होता है गतिशील। गतिशील बोले, मोबाइल बोले और मूवेबल बोले, एक ही बात है। मूवेबल बोले, और इसके अंदर क्या होता है डायनामिक के अंदर, जब भी बॉडी मोशन में हो तब उसका डिस्टेंस को मेज़र करना, ये आता है डायनामिक एंथ्रोपोमेट्री के अंदर। जब भी कोई बॉडी अगर मोशन में हो और उसका हमको मेज़रमेंट लेना हो तो हम इसको बोलेंगे डायनामिक एंथ्रोपोमेट्री। ओके, ना अब अपन ये देखेंगे कि मेज़रमेंट ऑफ एंथ्रोपोमेट्री में मेज़रमेंट कैसे लिया जाता है। एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब पर्टिकुलर ह्यूमन साइकोसिस नोन एज सोमेटोटाइप्स। एंथ्रोपोमेट्री में पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी का मेजरमेंट लिया जाता है जिसको बोला जाता है सोमेटोटाइप्स। सोमेटोटाइप्स आर मेनली थ्री टाइप्स। सोमेटोटाइप्स जो है वो मेनली उसके तीन टाइप्स के होते हैं। अब उस तीन टाइप्स कौन कौन से अपन वो देखेंगे। थ्री मेन सोमेटोटाइप्स आर गिवन बिलो। पहला होता है एंडोमॉर्फ, सेकेंड होता है एक्टोमॉर्फ एंड थर्ड वन इज मेसोमॉर्फ। ये तीन इसके सोमेटोटाइप्स के टाइप्स होते हैं। अब अपन इसके तीनों पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है एंडोडर्म। एंडोडर्म मतलब क्या होता है? एन एंडोडर्म रेफर्स टू ह्यूमन हुज टिश्यू आर प्रीडोमिनेंटली डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोडर्म। इसके जो टिश्यू होते हैं वो एंडोडर्म से ही डिराइव होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो मोटे लोग होते हैं वो एंडोमॉर्फिक के अंदर आते हैं। ओके, तो इसके अंदर उनका जो बॉडी का शेप होगा वो राउंड होगा, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, विसरा फैट एक्युमुलेशन ज़्यादा होगा, उनकी जो ट्रंक रहेगी वो भी लार्ज रहेगी, टेपरिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज भी उनके अंदर ज़्यादा होने लग जाएगी। यही होता है अपना एंडोमॉर्फिक। इसके बाद अपना आता है नेक्स्ट एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक के अंदर क्या होता है, एक्टोमॉर्फिक रिफर्स टू द ह्यूमन हुज टिश्यू आर डिराइव्ड प्रिलिमिनरी फ्रॉम एक्टोडर्म। इसके अंदर क्या होता है, जो इसके टिश्यू होते हैं वो पहले से ही प्रिलिमिनरी होते हैं, काय में एक्टोडर्म के टिश्यू से बने हुए होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक्टोडर्म मीन्स जो पतले लोग होते हैं, मीन्स इसके अंदर अपन देखें वो लोग खाना बहुत खाते बट रहते हमेशा पतले ही है, ये सब अपने उसके अंदर आता है। इसके बाद में अपन क्या देखते हैं, इसमें क्या होता है, उनका जो टिश्यू होता है सब्स्टिक्यूनस टिश्यू इसके अंदर होता है। इनकी मसल्स जो होती है वो भी बहुत थीन होती है। एक्टोडर्म के अंदर जो मसल्स होती है वो भी बहुत थीन होती है। और एक्टोमॉर्फी इज कैलकुलेटेड बाय ऑब्टेनिंग हाइट एंड मास एंड मेजरमेंट। इसके अंदर जो रहता है हाइट, मास और मेजरमेंट अपन इसका लेते हैं। इसके बाद में जो क्यूबिक रिलेशनशिप नोन एज द
क्वाड्रेंटल इंडेक्स इज यूज्ड। इसके अंदर क्यूबिक रिलेशनशिप जो होती है वो भी इसके अंदर आती है। हेल्थ को लेकर जो भी इसके अंदर क्यूबिक रिलेशनशिप जो होती है वो भी अपन इसके अंदर काउंट करते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट पे। थर्ड नंबर पॉइंट में क्या बताया है? मिजोमॉर्फिक। मिजोमॉर्फ क्या होता है? मिजोमॉर्फ उसको बोला जाता है जिसके टिश्यू मिजोडम से बनते हैं। इसे मसल इंक्रीज होती है, बोन भी इंक्रीज होती है और ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है। उसका रेक्टेंगुलर शेप होता है। ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म से दोनों से मिलकर बनता है। इसको बोला जाता है मिजोमॉर्फिक। मिजोमॉर्फिक में बोन का डायमीटर और मसल को भी कैलकुलेट किया जाता है और इसमें मसल का सर्कमफ्रेंस एरिया भी कैलकुलेट करते हैं। इसमें स्किन फोल्ड की थिकनेस भी मेज़र की जाती है। ये होता है मिजोमॉर्फिक। लास्ट इज कंक्लूजन। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स एंड एस्टिमेट्स ऑफ बॉडी कंपोजिशन ऑब्टेन इन द करंट स्टडी शो द फेसिबिलिटी ऑफ डिटेल एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा कलेक्शन बाय मल्टीपल इंटरव्यूअर्स इन लार्ज स्केल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज। Thank you so much for watching this video. If you have any doubt regarding anthropometry, please comment me. I definitely clear your doubt and please like my video and subscribe the channel.